बसमिल स्टूडेंट्स आई होप यू आल आर फ़ाइन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट किया था टुडे वी आर गोइंग टू लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर सिक्स द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ सल्यूशन एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोल्यूशन किसको कहते हैं तो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटांसिस का यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर मिक्स किया जाए तो वो क्या बनाती हैं सोल्यूशन बनाती हैं फिर हमने ये डिस्कस किया कि सोल्यूशन एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर पाया जा सकता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जा सकता है तो फिर हमने उसकी इग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था दैन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस बाई विच वी कैन डिस्टिंग बिटवीन द सोल्यूशन एंड प्योर प्योर सोलवेंट दैट इज एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टर्म्स अबाउट सोल्यूशन डेट इज एक्वाड सॉलवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्वस सोल्यूशन बच्चे जो वर्ड एक्वस है ना इसका मतलब है वाटर मतलब वाटर के लिए हमेशा एक्वस का वर्ड यूज होता है जहाँ पर एक्वस आ गया समझ लें इस चीज के साथ वाटर का कनेक्शन है इस चीज़ में वाटर है जिस सोल्यूशन के साथ एक्वस लिखा हुआ है समझ लें ये सोल्यूशन वाटर में है जिस चीज़ में एक्वस लिखा हुआ है समझ लें इसके अंदर वाटर है तो एक्वस का वर्ड वाटर के लिए यूज़ होता है सो एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर वाटर यूज़ होता है यानी कि हम ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर के अंदर चीज़ को डिजोल्व करने से वो सोल्यूशन बने उसको हम क्या बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे सो सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है उसको हम क्या बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं सॉल्वेंट क्या है ये आगे फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा तो एक्वा सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्वा सोल्यूशन द सल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाई डिजोल्विंग अ सबस्टांस इन वाटर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूश एक्वा सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि सबस्टांस को वाटर के अंदर डिजोल्व करने से बनता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आप साल्ट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो ये क्या है एक्वा सोल्यूशन है आप शुगर को वाटर में डाल रहे हैं एक्वा सोल्यूशन है आप कोई भी चीज़ वाटर में डाल रहे हैं वो एक्वा सोल्यूशन है तो कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर आपने वाटर को यूज़ किया है वो क्या होगा एक्वा सोल्यूशन होगा एक्वा सोल्यूशन बच्चों मोस्टली लेबॉर्टरीज के अंदर यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग करने के लिए मतलब कि आपने कोई भी काम करना है तो उसका आप एकवा सल्यूशन बनाते हैं मोस्टली मोस्टली सॉल्यूशन बनता है जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कॉपर सल्फेट के साथ कोई काम करना है अब कॉपर सल्फेट एक साल्ट है उसकी जो उसका जो टेक्सचर होता है ना वो कॉमन साल्ट जो आप चाइना साल्ट यूज़ करते हैं वैसा होता है लेकिन बस उसके अंदर कलर ऐड होता है तो उसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और फिर आप फर्दर वर्किंग करते हैं और मोस्टली काम एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं मतलब कि लिक्विड मीडियम के अंदर होते हैं और उनको लिक्विड मीडियम में करने के लिए उन सॉल्यूशन उन सार्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है और सॉल्यूशन किसके अंदर बनाया जाता है वाटर के अंदर बनाया जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो लेबॉर्टरीज़ के अंदर यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं वाटर के अंदर और उनको हम क्या बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं और जितने भी किस्म के हमारे गिर्द साल्ट हैं वो सब के सब वाटर में ही डिज़ोल्व किए जाते हैं मोस्टली ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं है आप अगर हम पोलर और नॉन पोलर कंडीशन की बात करें तो कुछ जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो कुछ जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती उसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड लेते हैं जिसके अंदर उस सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है और फिर सलूशन बनाया जाता है लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो कंपाउंडस जो से हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं इसी वजह से तो वाटर को क्या बोला जाता है यूनिवर्सल सॉलवेंट बोला जाता है तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉलवेंट है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर कम्पाउंड्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारे अर्थक्रस्थ के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और ज़्यादातर कम्पाउंड जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे गिरद जो सा सॉलमेंट है वो अकेला वाटर ही नहीं है उसके अलावा और भी सॉल्वेंट है यानी कि हम सिर्फ वाटर को ही सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम और चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो वाटर जो है वो एक ऐसा सॉलवेंट है जो ज़्यादातर जो सब्सटांस हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोई भी वाटर के अंदर जो चीज़ डाली जा रही है वो डिज़ोल्व हो रही है तो वाटर क्या है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं चीज़ें मिक्स कर सकते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या लास्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करें उससे सोल्यूशन बनता है तो या फिर हम ये बात करें कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स करें तो उससे सल्यूशन बनता है अब ये जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं इनको स्पेसिफिक टर्म्स दी गई हैं इनको स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं जैसे मैंने पहले बोला है कि सल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि सल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं एक है सल्यूट और दूसरा है सोलवेंट ठीक है अब आप हमेशा जब भी आप सोल्यूशन बनाते हैं आप कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर आप हमेशा इक्वल क्वांटिटी तो नहीं डालते जैसे कि आप शुगर के अंदर सॉरी uh, वाटर के अंदर शुगर डालते हैं तो जितना वाटर होता है कि आप उतनी ही शुगर डाल देते हैं नहीं ना तो इसकी क्वांटिटी की बेस के ऊपर कंपोनेंट्स की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं दो कंपोनेंट्स के डिवाइड कर दिए गए हैं कि सल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाए है। एक है सल्यूट और दूसरा है सॉलमेंट पहले हम सल्यूट को डिस्कस करेंगे सल्यूट क्या है सल्यूट सल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी सल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं सल्यूट बोलते हैं फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर शुगर डाली अगर आप शुगर की अमाउंट को वाटर की अमाउंट से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि शुगर की अमाउंट वाटर की अमाउंट से कम है तो जो चीज़ कम है वो क्या है सल्यूट है ठीक है तो कोई भी चीज़ जो कम क्वांटिटी के अंदर है वो क्या होती है सल्यूट होती है तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर रहे करें अब आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को सल्यूट की क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें तो जिसकी स्मॉलर क्वांटिटी है वो क्या है सल्यूट है आ, नेक्स्ट ये बात है कि सल्यूट जो है वो हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है और उसको डिज़ोल्व किया जाता है यानी कि सल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है या डिज़ोल्व किया जाता है सल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट सल्यूशन बनाने के लिए हमेशा सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है यानी कि आप चीनी को ही पानी के अंदर डालते हैं और चीनी को ही पानी के अंदर मिक्स करते हैं कभी भी पानी को मिक्स नहीं किया जाता हमेशा चीनी को मिक्स किया जाता है बेशक आप नीचे चीनी डाल के ऊपर पानी डालें फिर भी आप उसको चीनी को ही मिक्स करेंगे शुगर को ही मिक्स करेंगे वाटर को मिक्स नहीं करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन है हमारे पास तो साल्ट जो है वो डिज़ोल्व किया जा रहा है तो साल्ट क्या होगा सल्यूट होगा अब हमारे पास एक सल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सल्यूट हो सकते हैं यानी कि हमने एक मिक्सचर बनाया है फॉर एग्जांपल आप जाम श्री बनाते हैं जाम श्री शरबत आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप वाटर लेते हैं अंदर जाम श्री डालते हैं अंदर आप शुगर डालते हैं अब इसके अंदर आपने इस सोल्यूशन के अंदर तीन चीज़ें यूज़ की हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं वो किसकी होती है वो वाटर की होती है उसके बाद कम क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो है जामशी और शुगर तो ये जाम शीरी और शुगर दोनों स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर यूज़ हो रहे हैं तो ये दोनों के दोनों ही क्या है सल्यूट हैं बात करने का मकसद ये है कि एक सल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सल्यूट हो सकते हैं मोर देन वन सल्यूट में भी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सल्यूट हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर के अंदर कोई एक चीज़ नहीं मिक्स की जाती या कोई एक सल्यूट नहीं मिक्स किया जाता एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की जाती हैं फॉर एग्जांपल शुगर डाला जा शूगर डाली जाती है सॉल्ट डाला जाता है कार्बन डाईऑक्साइड डाली जाती है तो ये सारी की सारी सारी चीज़ें एज ए सल्यूट वर्क करती हैं तो हमारे पास दो तीन चीज़ें हमने सल्यूट में डिस्कस की कि एक तो सल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि सल्यूट को हमेशा सोलवेंट के अंदर ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है सल्यूट बनाने के लिए सोल्यूशन बनाने के लिए इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सल्यूट पाए जा सकते हैं एक से ज़्यादा सल्यूट हो सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सोलमेंट अब सल्यूट का ऑपोजिट क्या है सोलमेंट अब हमने सल्यूट के अंदर ये डिस्कस किया था कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में है उसे हम क्या बोलते हैं सल्यूट बोलते हैं तो ऐसा सब्सटेंस जो कि लार्जर क्वांटिटी में है उसे हम क्या बोल रहे हैं सॉल्वेंट बोलते हैं द कंपोनेंट ऑफ सल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर कोंटिटी सल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्जर कोंटिटी में होता है उसे हम क्या बोलेंगे सॉलवेंट बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल सेम एग्ज़ैम्पल शुगर इन वाटर अगर हम वाटर की क्वांटिटी को शुगर की क्वांटिटी से कंपेयर करें तो वाटर की क्वांटिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा है ग्रेटर है सो इट विल बी अ सॉल्वेंट, ओके सेम एग्जांपल में आप देख सकते हैं जिस सॉल्वेंट के अंदर हम सल्यूट ऐड कर रहे हैं उस सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है उस सॉल्वेंट की कोंटिटी ज़्यादा है सो लार्जर क्वान्टिटी कंपोनेंट विल बी कार्ड एज सॉलवेंट द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वान्टिटी इज कॉल्ड सोलवेंट अब जब हमने सल्यूट को डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि सल्यूट को सोलवेंट के अंदर एड किया जाता है सोलवेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो उससे क्या बनता है सल्यूशन बनता है लेकिन अगर हम सोलवेंट की बात करें तो उस बात के उलट होगा कि सोलवेंट के अंदर हमेशा सल्यूट को ऐड किया जाता है ठीक है सोलवेंट ऑलवेज डिजोल्व सल्यूट सॉल्वेंट हमेशा सल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करता है सॉल्वेंट डिज़ोल्व करता है अपने अंदर ठीक है इसके अलावा अगर जैसे हमने सल्यूट के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सल्यूट है तो वो सारे के सारे एज आ सल्यूट काम करेंगे लेकिन अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर उनमें से हमेशा एक चीज़ एज अ सॉलवेंट काम करेगी बाकी सारी के सारे एज ऐसा सल्यूट काम करेंगी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप आ, हाँ फॉर एग्जांपल आप जाम जामशीरें ही बनाते हैं तो इसके अंदर लार्जर क्वांटिटी के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ सिर्फ एक है वो है वाटर तो वो अकेला वाटर ही एज आ सॉलमेंट एक्ट करेगा बाकी की दो चीज़ें दैट इज़ शुगर एंड जाम शीरी बोथ आर इन स्मॉलर क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर सो दे बोथ विल एक्ट एज़ सल्यूट ठीक है जो सी दोनों चीज़ें हमने स्मॉलर क्वांटिटी में डाली हैं वो दोनों की दोनों एज आ सल्यूट काम करेंगी फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि शुगर uh, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी की सारी एज अ सल्यूट ऐड करेंगी सल्यूट काम करेंगी तो सॉल्वेंट इसके अंदर एक ही है डेट इज वाटर तो वाटर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड अदर सबस्टांसिस शुगर साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सल्यूट ठीक है शुगर साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये सल्यूट है और सॉल्वेंट हमारे पास एक ही होगा तो हम यूँ कह सकते हैं कि सल्यूट एक, एक सोल्यूशन के अंदर सल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सोलवेंट एक ही होगा ठीक है अगर हमारे पास एक सोल्यूशन के अंदर एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनमें से सिर्फ एक चीज़ एज ए सल्यूट काम करेगी बाकी की दो और तीन दो या तीन चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हुई हैं वो एज ए सोल एज़ ए सल्यूट काम करेगी ठीक है तो सोलवेंट के तौर पर हमेशा एक ही चीज़ एक्ट करती है सोलवेंट के अंदर हमने एक दो बातें ही डिस्कस की हैं कि एक तो ये बात डिस्कस की कि वो वो कंपोनेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी के अंदर होगा उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं और सॉल्वेंट अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व करता है इसके अलावा तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ऐसा सब्सटेंस अगर ऐसा सल्यूशन जिसके अंदर एक या जिसके अंदर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके अंदर हमेशा एक चीज़ ही एज ए सल्यूट काम एज ए सॉल्वेंट काम करेगी जबकि बाकी की सारी की सारी चीज़ें एज ए सल्यूट काम करेंगी ठीक है तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डेट इज़ वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सल्यूट एंड सोलवेंट सल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको आपने अच्छे से याद करना है ऐसी चीज़ जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर है उसको हम सल्यूट कहते हैं और ऐसी चीज़ जो कि लार्जर क्वांटिटी के अंदर है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं इसको आप यूँ एड यूँ याद कर सकते हैं कि सल्यूट के स्पेलिंग देखें और सॉलवेंट के स्पेलिंग देखें सल्यूट के स्पेलिंग छोटे हैं यानी कि स्मॉलर कोटिटी स्मॉलर कोटिटी क्या है सल्यूट है जिसके स्पेलिंग छोटे हैं उसके अंदर स्मॉलर क्वांटिटी आनी है एंड सोलवेंट सोलवेंट के स्पेलिंग थोड़े सल्यूट से लंबे हैं तो उसके अंदर क्या आनी है लार्जर क्वांटिटी तो ये एक हिंट था आपको सल्यूट और सोलवेंट को, को याद करने के लिए ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो अब इस पिक्चर में देखें इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि सॉलवेंट के अंदर सल्यूट ऐड किया गया है और अब आप वाटर एज ए सोलवेंट एक्ट कर रहे हैं ठीक है क्योंकि वाटर की आप अमाउंट देखें और सल्यूट की अमाउंट देखें सॉल्वेंट को आप देखें ओवरऑल पूरे बिखर के अंदर है और सोल्यूट कहीं कहीं पर बिखरा हुआ है ठीक है तो जिसकी क्वांटिटी स्मॉल है जिसके स्मेलि स्पेलिंग स्मॉल है वो क्या है सल्यूट और जिसकी क्वांटिटी लार्ज है वो क्या है सॉल्वेंट तो इस तरीके से हम सल्यूट और सॉल्वेंट की स्टडी कर सकते हैं तो एक्वा सोल्यूशन हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर के अंदर एक्वा सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करके हासिल करते हैं यानी कि कोई भी चीज़ को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो वो क्या होगी एक्वा सॉल्यूशन होगी इसके अलावा सल्यूट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होती है और सॉल्वेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी के अंदर होती है तो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अलावा जो है एक्वा सोलूशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि एक्वा सोल्यूशन क्या होता है ठीक है सोल्यूट और सोलवेंट की आपने एक एक एग्ज़ाम्पल आप हमेशा सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हुए ना अपने ज़हन के अंदर शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर की एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखें तो आपको स्टडी करना आसान हो जाएगा ठीक है उम्मीद तो है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी थैंक यू सो मच विश यू गुड लक अल्लाह ताला आपको अपने हिफो ईमान में रखे अल्लाह हाफिज़